नमस्कार, मैं एके गुप्ता रिपब्लिका बीपीएससी वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब देखेंगे जो पिछले अध्याय में देखा था पार्ट वन पार्ट टू, आज हम सब देखेंगे पार्ट थ्री, वर्क एंड टाइम को पढ़ेंगे। जो भी मैथ का ये जो सेक्शन है अपने आप में बेहद हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से समय ना गवाते हुए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को मिलकर पूरा करते हैं। दो व्यक्ति है ए और बी जो किसी कार्य को मिलकर पूरा करते हैं। ये दोनों उसी कार्य को अकेले 30 दिन में 40 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि उन्हें टोटल कार्य के लिए 2100 रुपया का भुगतान किया जाता है तो बी का हिस्सा कितना होगा। यानी दोनों ए और बी मिलकर कोई कार्य करता है और ए अकेले उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे अकेले 40 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन वे दोनों मिलकर काम को पूरा करता है और दोनों को है 2100 रुपये मिलता है और बोलता है कि अब जो है आप काम के अनुसार अपना हिस्सा बांट लीजिए। तो अगर हम एक ए है तो ए जो है आपका 30 डे में काम करता है 30 दिनों में और बी जो है आपका जो है 40 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। बी जो है 40 दिनों में आपका पूरा करता है, ए जो है 30 दिनों में और बी जो है 40 दिनों में पूरा करता है। अब जो तो है दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं, दिनों का रेशियो अगर निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं तो ये हो जाएगा 30 बाई 40, तो हो जाएगा 3:4, ठीक है। अब हम उसका निकालते हैं एफिशिएंसी, पावर क्षमता। तो ए और बी का अगर हम पावर क्षमता निकालेंगे तो ये जो डे का रेशियो है जस्ट इसका उल्टा रेशियो हो जाएगा 3:4। यानी जो है ए का पावर एक दिन में अगर 4 काम करता है तो बी जो है 3 काम करता है। अगर तो टोटल काम कितना हुआ, 7 काम ए जो है एक दिन में अगर, तो अब देखिए क्या है कि अगर 7 काम करता है टोटल एक दिन में 7 काम करता है, क्योंकि अगर दोनों जोड़ते हैं टोटल काम कितना हो गया, अगर ऐसे जोड़ते हैं तो एक दिन में 4 ए और बी 3 यानी 7 काम करेगा। तो अगर हम इस तरह से निकालते हैं, अब क्या है कि निकालना क्या है बी का हिस्सा क्या है। पहले हम अगर ए का हिस्सा अगर आपको बताऊं तो ये क्या होगा 4:7 और यहाँ गुने 2100 करेंगे तो 21 यानी 300। तो ए का हिस्सा 1200 रुपया है, ए का हिस्सा तो 1200 रुपया है, तो बी का हिस्सा क्या होगा 2100 में 1200 माइनस कर देंगे तब भी निकल जाएगा, और नहीं तो अगर हम बी का हिस्सा निकालना चाहेंगे तो आपका होगा यहाँ पे बी इजकल टू 3:7 इंटू 2100 रुपया। अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ 21 और यहाँ हो जाएगा आपका बी का हिस्सा 900 रुपया। यानी इस तरह से भी निकाल सकते हैं, तब ए आंसर इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, यदि एक्स किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं और जिस वाई जिस कार्य को करने की क्षमता से एक्स से जो है 50% अधिक है, ज़्यादा है, और अभी इस कार्य को शामिल किया जाता है और एक्स और वाई मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे। यानी बोलता है कि एक्स जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, वाई जिस कार्य को एक्स जितना क्षमता है वाई जिसकी कार्य करने की क्षमता एक्स से 50% ज़्यादा है और इस कार्य को जो है दोनों सम्मिलित होते हैं तो एक्स और वाई मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकता है। बोलना है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि 15 दिनों में एक्स कोई काम करता है और वाई का जो क्षमता है 50% और अधिक है किससे, एक्स के अपेक्षाकृत। तो अगर हम निकालेंगे, अगर एक्स का जो है 15 दिन में कोई कार्य कर लेता है, ठीक है, तो वाई का कैसे निकलेगा। तो अगर हम एक्स का जो है एक दिन में काम क्या होगा 1/15 भाग काम करेगा,
तो उसी तरीका से 1/15 भाग काम करेगा। तो अगर हम निकालते हैं अब जो है y का, तो इसका जो है कितना है, इससे जो है 50% है। तो ये तो आपका जो 15 का 15 है ही है, लेकिन इसका भी जो है इसका 50% और ज्यादा है, ठीक है, इस तरीका से। तो x का जो है इतना भाग काम करेगा, तो इसका जो है क्या होगा, अगर हम निकालेंगे रेशियो, तो यहां पे होगा 1 और प्लस 15 इक्वल टू, सॉरी, 2/100। तो यहां से 2, तो क्या हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/30, तो ये हो जाएगा 1/10। यानी जो है x जो है कितने काम करेगा एक दिन में, 1/10 काम करेगा, और 15 एक दिन में कितना काम करता था, 15। इसलिए जो है x टोटल कितने दिन में काम कर जाएगा, तो x जो है काम आपका x के जो है इस काम, y जो है इस काम को आपका 10 दिन में पूरा कर लेगा। तो x और y आपको निकल गया, x को दिया हुआ था, y निकल गया कि y जो है 10 दिन में कार्य कर लेगा और जो है x जो है 15 दिन में। तो आप सिंपल है, वही वाला काम कीजिए आप, 10 15, एक औसत कॉमन नंबर लीजिए, 30 मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 एफिशिएंसी, इसका 2 एफिशिएंसी, दोनों का एफिशिएंसी जोड़ेंगे 5 होगा, और 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 6, यानी 6 डेज में पूरा कर लेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दीवार को निर्माण करने में 8 दिन में कर सकता है, एक ए जो है एक दीवार का निर्माण 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 3 दिन में तोड़ सकता है। तो ए के 4 दिन तक कार्य करने के पश्चात बी के साथ केवल 2 दिन के लिए शामिल होता है। अब ए अकेले शेष का निर्माण कितने दिनों में करेगा, यानी एक है ढाने वाला, एक है बनाने वाला। ए जो है बनाने वाला है और बी जो है ढहाने वाला है, यानी तोड़ने वाला है, और ए जो है 4 दिन तक कार्य करता है। तो टोटल काम अगर हम मानते हैं कि वह जो है ए जो है 8 दिनों का उसको दिया गया है कि ए जो है इस काम को जो है 8 दिनों में कर लेगा, 8 दिनों में कर लेगा ए काम को, तो वो जो है अगर कितने दिन काम करता है, तो एक दिन में ए कितने काम करेगा, 1/8 काम करेगा। तो वह 4 दिन तक कर चुका था, 4 डेज तक कर चुका था, तो कितने भाग काम करेगा, तो 1/8/4, यानी आधा काम ए कर चुका था। अब क्या है कि आधा काम में जो है 2 दिन तक कितना काम करेगा, तो जो है आधा काम आपका तो कर चुका था, तो 1/2 होगा यहाँ पे, और 2 दिन में जो है आपका शेष काम जो है बचा हुआ था, तो वो दो दिन का जो काम है, तो आधा काम तो कर लिया था, अब क्या बचा है कि उसका जो है आपका जो है दो दिन का और काम है, वो 2 दिन और काम किया हो ए, और 2 दिन बी जो है तोड़ा, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए जो है 4 दिन काम किया और बी उसके पश्चात 2 दिन के लिए शामिल हो जाता है, तो यानी ए और बी दोनों 2 दिन और कर रहा है, तो 2 दिन इसका भी ले लेंगे, और ये कितने दिन को तोड़ रहा है, तो 3/2 आपका जो है 3/2, तो इसका जो है एफिशिएंसी क्या होगा, 3 दिन तक काम किया है, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1/3। तो इस तरीका से, और यहाँ पे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये तोड़ने वाला काम है, नेगेटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने रहेगा, नहीं आंसर तो यहाँ से सामने तो आएगा नहीं, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा आपका यहाँ पे 4, यहाँ से 4 काट दिए, तो 4 × 12, यहाँ पर आप कॉमन संख्या या लघुत्तम समावर्तक आप 12 लेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है 6 आएगा, यहाँ आपका 3 आएगा, और यहाँ पर 4 × 2 = 8 हो जाएगा, -8, यानी 1/12 आपका शेष काम बच गया है, और इसमें अगर पूरे काम अगर 1 माने तो 1/12 में घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 11/12 काम कौन किया, x मतलब जो है आपका जो है a किया,
तो एक जो है कितने दिन लगेगा 11/12 काम करने के लिए, तो आपको इससे जो है 11/12 × 8 डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर 4, 2, 3 यानी 22/3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा सेव 7 × 1/3 डेज, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 12 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं, उन लोगों ने 6 दिन तक कार्य करने के बाद 6 और व्यक्ति उस कार्य में शामिल हो जाते हैं, अब शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी बोल रहा है कि 12 व्यक्ति 9 दिन कार्य करता है, पूरा कर देता है 9 दिन में, ठीक है ना। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर लेता है, लेकिन 6 दिन करने के बाद 12 व्यक्ति 6 दिन कार्य किया, परंतु उसमें जो है 6 दिन के बाद 6 मजदूर और उस कार्य में शामिल हो गया, तो अब शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी 3 दिन से तो कम लगेगा समय, तो 3 दिन से कम कौन लगेगा। अगर दिमाग लगाते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो 3 दिन से कम लगेगा, यानी 6 दिन तक काम कर लिए तो 3 दिन से कम लगेगा, तो ये तो होगा नहीं 3 दिन, और ये तो 4 दिन तो होगा नहीं, 5 दिन तो होगा नहीं, यानी 2 दिन तो ऐसे ही मिला, तो ये बनाने का भी जरूरत नहीं था। लेकिन अगर इस नियम के अनुसार चलते हैं तो ये बिल्कुल आगे चलते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे ही घट गया ना कि 3 दिन से नहीं होगा, क्योंकि 12 मजदूर 9 दिन में काम पूरा कर देगा, तो 6 दिन काम करने के बाद जो है बचा 3 दिन काम, और 3 दिन में और 6 मजदूर जुड़ गया, तो जाहिर सी बात है 3 दिन से कम ही होगा, तो 3 दिन से बड़ा तो एक ही ऑप्शन है बी ए। तो इस तरह से एनिमेट से आप बना सकते हैं, लेकिन हम आपको लंबे प्रोसेस से चलते हैं, एक बार बनाने का कोशिश करते हैं। तो जो है इसका जो है बनाने का तरीका वही है कि 12 मजदूर, तो 12 मजदूर अगर हम सब 9 दिन में काम करेगा, तो 12 मैन है 9 डे में काम किया, तो एक दिन में काम करने के लिए उसे कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 9 × 12 डेज, यानी जो है अगर एक दिन में एक कोई पार्ट कितना काम करेगा, एक आदमी एक दिन में कितना वर्क करेगा, तो 1/9 × 12 पार्ट, इतना पार्ट काम करेगा। तो लेकिन क्या है कि जो है 12 व्यक्ति 6 दिन में काम करने के लिए 6 दिन में, तो एक दिन में 12 व्यक्ति जो है 1/9 काम करता है, 12 में एक दिन में 1/9 काम करता है, तो 6 दिन में करने के लिए वह जो है 2/3 काम कर लेता है, बचा कितना काम, बचा 2/3 में अगर हम 1 − 2/3 करेंगे तो बचा कितना, 1/3 काम बच गया है, ये आपका जो काम बच गया है, इसी को मिलकर जो है क्या बोलता है आपका जो है 12/6 = 18 आदमी मिलकर करता है, तो 12/6 = 18 आदमी मिलकर इस काम को कितना दिन में कर देगा वो निकालना है आपको। तो यहाँ पे आपका जो है तो एक टोटल काम इतना है, तो 12/6 आपको यहाँ 9 × 12 और 22 जो है 18 करना है, क्योंकि जो 6 आदमी और जुट गया 12 में, तो यहाँ 9 × 18 और बाकी 6 तो एक टोटल अगर 6 दिन में एक टोटल काम करेगा तो 1/3 काम कितने दिन में करेगा, तो 1/3 काम करेगा आपको 2 दिनों में, तो ऐसे भी ये 2 दिनों में बन गया, तो 1/6 2 दिनों में काम करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिनों में, बी उसे 18 दिनों में कर सकता है, वे दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए कार्य को समाप्त होने के से 3 दिन पहले चला जाता है, अब कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, बी उस कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, वे दोनों
एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से पहले ए 3 दिन पहले चला जाता है। अब कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा, क्वेश्चन को समझना है। ए जो है 9 दिनों में कार्य करता है, बी जो है 18 दिनों में कार्य करता है, दोनों मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से पहले ए जो है 3 दिन पहले छोड़कर भाग जाता है। तो अब काम जो है, ए जो 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो उसका काम तो बी को करना पड़ेगा ना जी, तो वो काम कितना दिन पहले होगा। तो मान लीजिए आपकी टोटल काम, इसमें अगर सबसे आसान तरीका यही है, टोटल काम एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो टोटल काम एक्स मान लीजिए आप, तो इसमें क्या है, अगर मान लीजिए एक्स है, तो आप जो है एक्स दिन तक काम किया, टोटल काम कितना किया, एक्स डे तक काम किया है, ठीक है, एक्स दिनों तक दोनों मिलकर काम किया है ए और बी, ठीक है। तो अब जो है, और लेकिन जो है ए का एक दिन में काम कितना है, 1/9, ठीक है। बी का एक दिन का कार्य कितना है, 1/18, ये याद रखना है। तो ए जो है 3 दिन पहले चला जाता है, तो एक्स माइनस 3, और ये कितना काम करेगा, 9, ठीक है। अब दोनों ऐड होगा, और ए जो है एक्स 1/18। तो अब जो है इसका जो है निकालना है आपको, और यहां पर ये जो टोटल भाग कितना है, 1 काम है, तो इसका आप हल कर दीजिए, यही आपका बन गया, और क्या। तो इसका एलसीएम लीजिएगा आप, तो 18 आ जाएगा, यानी 18 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। अगर इससे 200 गुना कीजिएगा, आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कुछ बच्चों की। तो यहाँ पर x माइनस 3 इंटू 2 लिख देंगे, 200 9 18 होगा, और यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पर x होगा और यहाँ पर 1 होगा। अब क्या है कि यहाँ पर 2x माइनस 6 एक्स, और इसको 18 इधर ले चले जाएंगे, तो 18 इधर हो जाएगा, और यहाँ पर अब होगा जो 3x, और ये जो है माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। और अब जो है 3x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 8 दिन। तो बोलता है अब कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा, तो अब जो है 8 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था, और अगले पार्ट में हम सब दूसरे चैप्टर का देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, डेट्स ऑल।